जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु से भरी बस में आतंकवादियों ने हमला किया, 10 लोगों की मौत, वहीं 33 घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले के बाद बस पलट और गहरी खाई में जा गिरी। वहीं रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा के मुताबिक इस आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हुई है, वहीं 33 तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस शिव खेड़ी मंदिर के पास रानसू से जम्मू से के कटरा शहर जा रही थी। जम्मू कश्मीर के नंबर वाले इस बस में कई तीर्थयात्री सवार थे। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम पहुंच गई। वहीं रियासी के एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया, शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि आतंकवादियों ने शिवखोड़ी से कटरा जा रही तीर्थयात्री की बस पर गोलीबारी की। गोलीबारी के कारण बस ड्राइवर ने बस का संतुलन खो दिया और बस खाई में गिर गई। घटना में 33 लोग घायल हुए हैं। बचाव अभियान पूरा हो गया है। यात्रियों की पहचान अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये यात्री स्थानीय नहीं है। शिवखोड़ी तीर्थस्थल को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। साथ ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अभी तक की रिपोर्टों के मुताबिक चेहरे पर नकाब लगाए दो आतंकवादियों ने कंडा चंडी मोड़ के पास बस ड्राइवर पर गोली चलाई। इसके बाद बस अनियंत्रण होकर खाई में जा गिरी। यह इलाका रियासी और राजौरी जिले के बॉर्डर पर पड़ता है और पहले भी यहां आतंकवादियों के छिपे होने की खबरें आती रही हैं। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल क्या, अगर डिटेल में बताएं उस टाइम क्या हुआ था? ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टूवर्ड्स रियासी जा रही थी, तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहां से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी किस तरह का सर्च ऑपरेशन जारी है और हमने देखा ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं? हाँ जी, ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, राजौरी का बॉर्डर है ये, और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने दो का नंबर अभी सामने आ रहा है।